गाइज गुड इवनिंग आई होप डूइंग डूंग्रेट आज हम मॉडल वर्ब करें कवर करेंगे जैसे कैन बुड ये सारे सेंटेंस हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे क्योंकि हमारे फिफ्टी परसेंट स्पोकन इंग्लिश में ये बो, यूज होता है जब हम स्पोकन करते हैं या लर्न करते हैं तो हमारे उसमें ये मॉडल वर्ब जरूर आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी को एडवाइस देते हैं कहीं ना कहीं किसी की एबिलिटी बताते हैं तो ये सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो मॉडल वर्ब में जो सेंटेंस कैसे बनता है ये जैसे मान लीजिए कैन है तो कैन का मतलब होता है सकना हिंदी में होता है सकना कुड का मतलब भी होता है सका ये पास्ट की बात बताएगा मस्ट का मतलब होता है चाहिए जब हम फिफ्टी परसेंट शोरिटी होती है जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं जब हम किसी मोस्ट मतलब स्ट्रांग होती है जब हम स्ट्रांग एडवाइस देते हैं तब हम मस्ट का यूज करते हैं शुड का मतलब भी होता है चाहिए सूट का मतलब होता है चाहिए बुड़ का मतलब होता है सकेगा क्या होता है सकेगा अब हम इसका तो हिंदी समझ में आ गया कि कैन का मतलब होता है शकना कूड़ का मतलब सका, मस्ट का मतलब चाहिए सूढ़ का मतलब चाहिए बुड़ का मतलब सकेगा तो ये जो हमारे होते हैं तो कैन का जब हम यूज करते हैं जब हम कैन को यूज करते हैं जैसे मान लीजिए हमने कैन का यूज किया किसी दूसरे व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की एबिलिटी बताते हैं जब हम जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की एबिलिटी बताते हैं अर्थात क्षमता को बताते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं ये क्षमता जब हम किसी की क्षमता बताते हैं वो क्षमता होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट की बात होती है प्रेजेंट में जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं तो कैन का यूज करेंगे जैसे कि वह खाना खा सकता है ही कैन ईट फूड वह खाना खा सकता है खाने की उसकी एबिलिटी है तो वो खा सक ता है क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है तो वहां पे हम कैन लगाएंगे जैसे ही कैन रीड न्यूज पेपर न्यूज सॉरी न्यूज पेपर ही कैन रीड न्यूज पेपर वह न्यूज पेपर पढ़ सकता है जो जो पढ़ सकता है तो इसकी अबिलिटी इस... बता रहा ना इसी इस ये लड़का है और ये पढ़ सकता है क्या पढ़ सकता है न्यूज पेपर पढ़ सकता है तो ये अबिलिटी बताई है तो ये होता है ही कैन रीड न्यूज पेपर तो वो एबिलिटी जब हम किसी इसी तरह के जब हम एबिलिटी बताते हैं तो वहां पे कैन का यूज करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा जैसे कुड कुड का मतलब तो सका होता है ये भी अबिलिटी ही बताएगा क्या बताएगा एबिलिटी ही बताएगा एबिलिटी जब बताएगा ये जैसे इसका मतलब एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता क्षमता ही बताएगा लेकिन ये बताएगा पास्ट में कब बताएगा पास्ट में बताएगा जैसे कि पास्ट में कैसे बताएगा ही कूड ही कुड रीड ही कुड रीड वह पढ़ सका पढ़ सका सॉरी अः तो ही कुड रीड अ बुक वह पढ़ सका एक बुक ये पास्ट की बात बताया है तो इसी तरह हमारा मस्ट जो होता है मस्ट का मतलब ये हमारी एडवाइस देता है क्या करता है एडवाइस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना क्या करना सलाह देना ये सलाह हम दो तरह से देते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम दो तरह से देते हैं दो तरह से जैसे एक तो ऐसे ही हम दे देते हैं नॉर्मल देते हैं साधारण देते हैं साधारण सलाह देते हैं और किसी को हम स्ट्रांग सलाह देते हैं क्या देते हैं स्ट्रांग जब हम स्ट्रांग सलाह देते हैं जब हम स्ट्रांग सलाह देते हैं तो हम यहाँ मस्ट लगाते हैं जब हम नॉर्मल ऐसे कैजुअली सलाह देते हैं जैसे कि आपको खाना खा लेना चाहिए तो आपको किताब पढ़ना चाहिए ये हमारी एडवाइस है तो ये एडवाइस हम सलाह देते हैं तो हम यहाँ पे एडवाइस यहाँ भी दे रहे हैं यहाँ भी दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कैजुअली दे रहे हैं साधारण सिंपल सी सिंपल एडवाइस दे रहे हैं क्या दे रहे हैं एडवाइस सिंपल एडवाइस दे रहे हैं और यहाँ पे हम जो ये जो दे रहे हैं ये स्ट्रांग दे रहे हैं स्ट्रांग सलाह देते हैं तो वहाँ पे हम मस्ट लगाते हैं जहाँ पे स्ट्रांग सलाह देते हैं अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वहाँ सिंपल सलाह देते हैं अब नेक्स्ट आता है तो हमारा बुड बुड का मतलब होता है सका सके सके गा जैसे कि हम फ्यूचर फ्यूचर में पास्ट तो में, में हम तो तो क्या थादर्णल थादर्णल लगाएंगे कैन लगाएंगे क्या लगाएंगे कैन लगाएंगे ये प्रेजेंट है सॉरी प्रेजेंट में हम कैन लगाएंगे पास्ट में हम लगाएंगे कुड फ्यूचर में लगाएंगे सॉरी फ्यूचर में हम लगाएंगे वुड क्या लगाएंगे वुड लगाएंगे इसका मतलब भी होता है सका सकता ये लास्ट में तो आ रहा है ना सकता सका या सका था ये भी लगा सकते हैं अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे सकेगा क्या होगा सकेगा तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम सेंटेंस बनाते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं आप न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं आप न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं तो ये हमारे जो पढ़ने की बात कर रहा है ये प्रेजेंट की बता रहा है प्रेजेंट की बात बता रहा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं यह सक सकता है ना तो यहाँ पे भी देखो सक सकते हैं तो ये ता आ गया ना जिस वाक्य के अंत में ताती ते आता हिंदी में तो उसे हम प्रेजेंट में डिनोट करते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट सेंटेंस मानते हैं तो इसी तरह आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो ये प्रेजेंट की बात करता है तो सब्जेक्ट हमारा है यू क्या है यू कैन रीड रीड न्यूज पेपर न्यूज पेपर न्यूज पेपर नेक्स्ट सेंटेंस है तुमको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए तुमको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए तो यहाँ पे ये रेगुलर क्लास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो है एडवाइस दे रहा है किसी को ये एडवाइस दे रहा है क्या दे रहा है एडवाइस दे रहा है सलाह दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुड आएगा या मस्ट आएगा तो कुड जो यूज होता है हमने अभी अभी देखा है कि कुड जो सूड जो है सूड जो यूज होता है वो यूज होता है ऐसे सिंपल सिंपल किसी को नहीं एडवाइस देते हैं अगर हम मस्ट यूज करेंगे मस्ट का यूज करेंगे तो इसका मतलब हम कोई स्ट्रांग सलाह देंगे स्ट्रांग सलाह देंगे जब हम स्ट्रांग सलाह देंगे तब मस्ट का यूज करेंगे तो जब स्ट्रांग सलाह तो यहाँ पे कोई स्ट्रांग सलाह तो दे नहीं रहे हैं कि स्ट्रांग सलाह जैसे कि आपको पी कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए आपको स्मोक नहीं करना चाहिए ये स्ट्रांग सलाह हो जाती है ना क्योंकि आप किसी के हेल्थ के बारे में बता रहे हैं तो ये स्ट्रांग सलाह है तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए तो रेगुलर क्लास लेनी चाहिए तो यहाँ पे तो हल्का फुल्का लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सलाह है स्ट्रॉन्ग सलाह की आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी टॉपिक किस पे बात चल रही है कौन कैसे होती है तो ये समझ में नहीं आएगा तो इसलिए आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए तो यहाँ पे हंड्रेड परसेंट में फिफ्टी परसेंट भी ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सलाह नहीं है आपके मन आप किसी और की क्लास नहीं सकते हैं ऐसे भी हो सकता है तो यहाँ पे हम शुड लगाएंगे यू शुड यू शुड क्लास लेना लेने की जो होता है अटेंड होता है क्या होता है अटेंड अटेंड रेगुलर क्लासेस क्या हो रही रेगुलर क्लासेस यू शुड अटेंड रेगुलर क्लासेस इसका मतलब है आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा मोहन घर जा सकता था सकता था तो इसका मतलब यहाँ से हम पता चल गया कि सकता और प्लस था इसका मतलब कि ये हमारा पास्ट की बात हो रही है जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुड़ लगाते हैं तो कुड़ लगाते हैं जैसे मोहन कुछ गो एट होम एट होम मोहन घर जा सकता था नेक्स्ट सेंटेंस है तुमको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए तो यहां पे इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहा है तो यू must don't uh, sorry you must not drink drink i dry you drink i sorry dry you drink say drink ड्राइव आ ड्राइव यू मस्ट नॉट रिंक ड्राइव आप तुमको शराब पी कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ड्राइव जब हम लगाएंगे मान लीजिए गाड़ी नहीं चला तो गाड़ी चलाना ही ड्राइव हो गया शराब पीकर शराब पी कर ही ड्रिंक हो गया यहाँ पे वाइन मेंशन नहीं करेंगे आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो